नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। करतार कोचिंग सेंटर पटना मखनिया कुआं में है और यहाँ बैंक रेलवे एसएससी की तैयारी करवाई जाती है। मैं यहाँ मैथ्स पढ़ाता हूँ, बैंक रेलवे एसएससी और डिफेंस की तैयारी भी साथ में करवाता हूँ। इसके अलावा और भी कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी करवाता हूँ। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसएससी बैंक रेलवे का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, उसका तीसरा क्लास पढ़ने जा रहे हैं। पहले क्लास में मैंने थ्योरी पढ़ा, दूसरे क्लास में 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया और आज मैं आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो थ्योरी 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन लगभग हो चुका है और बाकी के 15 क्वेश्चन जो थोड़ा सा लेवल हाई है, धीरे 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 बढ़ता जाएगा लेवल, तो ये सब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें से एक क्वेश्चन की तो गारंटी है कि एग्ज़ाम में 100% आना है। तो बस कॉपी पेन लेके बैठिएगा, स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस वार्षिक दर पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो सबसे पहले एक बात आप जानते हैं कि मूलधन जो होता है हमेशा 100% होता है, प्रिंसिपल जो होता है हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%। एसआई जो है वो प्रिंसिपल का 2/5 है, एसआई जो है वो प्रिंसिपल का क्या है, 2/5। तो 100% का 2/5 निकालेंगे तो काटेंगे सर जी 5 से कितनी बार में, 20, तो 20 गुना कितना परसेंट आ गया, 40%। प्रिंसिपल ऑलवेज 100%, एसआई जो है प्रिंसिपल का 2/5 है यानी एसआई 40% है। अब हम समझ रहे हैं कि 10 साल में 40%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है एक साल का ब्याज परसेंटेज में, तो 40% कितने साल में, 10 साल में। तो हम कह सकते हैं कि 4% क्या हो जाएगा, वार्षिक। क्लियर, ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%। एसआई जो होता है वो प्रिंसिपल का 2/5 है यानी 40% है। अब देखिए कि 10 साल में 40%, तो ईयरली कितना परसेंट, 4%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते किसे, एक साल का ब्याज परसेंटेज में। क्लियर। और ऐसे भी आपको बताए थे कि एसआई अगर परसेंटेज में हो तो रेट निकालना है तो टाइम से भाग, और टाइम निकालना है तो रेट से भाग, यानी 10 से भाग दे देंगे यानी 4% वार्षिक आ जाएगा। क्लियर। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो क्या कह रहा है। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100% प्रिंसिपल हमेशा क्या परसेंट है, 100%। एसआई जो है वो प्रिंसिपल का 2/5, तो यानी 100% का 2/5, तो 100% का 2/5 करेंगे तो 40% आ गया। अब कह रहा है कि 8% सालाना है छोटू, 8% हर साल, तो 40% होने में क्या साल, 40% होने में क्या साल, तो 40% बटा 8%, तो हम देख रहे हैं कि 5 वर्ष में आपका काम हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल ऑलवेज 100%, एसआई कितना परसेंट, प्रिंसिपल का 2/5 यानी 40%, तो 8% हर साल, तो 40% क्या साल में, 5 साल में। ऐसे भी याद करिए कि दुनिया का कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट, 100%, और एसआई अगर 40% है तो एसआई अगर परसेंटेज में रहे तो रेट निकालना है तो टाइम से भाग, और टाइम निकालना है तो रेट से भाग। एसआई अगर परसेंटेज में रहे तो रेट निकालना है तो टाइम से भाग, टाइम निकालना है तो रेट से भाग, तो रेट से भाग करेंगे 8% सालाना, तो 40% होने में क्या साल, 5 साल। क्लियर। चल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो क्या कह रहा है। किसी राशि का 4 वर्ष में साधारण ब्याज जो है, 4 वर्ष, प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%। एसआई जो है प्रिंसिपल का 1/4 है, यानी 100% का वैल्यू 1/4, यानी कितना परसेंट हो गया छोटू, 25%। 25% क्या साल में, 4 साल में। 4 साल में 25%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, एक साल का ब्याज परसेंटेज में। तो ऐसा ही अगर परसेंटेज में है तो रेट निकालना है तो टाइम से भाग, टाइम निकालना है तो रेट से भाग। 25% क्या साल में, 4 साल में, तो सालाना बात करेंगे तो 6.1/4% क्या हो जाएगा, वार्षिक। बात समझ में आ रही है। टाइम कितना साल है, 4 साल, प्रिंसिपल 100%, एसआई जो है प्रिंसिपल का 1/4 यानी 25%। 25% कै साल में, 4 साल में ना, तो 6.1/4% वार्षिक, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, एक साल का ब्याज परसेंटेज में। और ऐसे भी एसआई अगर परसेंटेज में दिया हो तो रेट निकालना है तो टाइम से भाग, टाइम निकालना है तो रेट से भाग। चल
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या कह रहा है? हाँ, कह रहा है कोई 6 वर्ष का साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 30%, प्रिंसिपल हमेशा 100%, एसआई जो है वो 30% है। क्या साल में सर? 6 साल में। 6 साल में 30%, 6 साल में 30%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बात करते हैं तो 30% बटा 6 यानी 5% क्या हो जाएगा छोटू? सालाना 5% सालाना। तो कह रहा है ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे? तो भाई ब्याज जो है 5% सालाना है, तो प्रिंसिपल के बराबर होने में हर साल 5%, तो प्रिंसिपल के बराबर होने में यानी 100% होने में क्या साल लग जाएगा? 20 साल। बात समझ में? प्रिंसिपल 100%, एसआई 30%, 6 साल में, तो सालाना कितना परसेंट? 5%। तो कह रहा कि ब्याज मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 5% है, ये 100% होने में हर साल 5-5%, हर साल 5-5%, तो 100% होने में क्या साल लग जाएगा बताओ? 100% होने में क्या साल लग जाएगा? 20 साल। चलो, कितने समय बाद ब्याज मूलधन के बराबर होंगे? चलिए, कह रहा है एसआई जो है प्रिंसिपल का 7/6 हो जाता है या बन जाता है, हो जाता है या बन जाता है, मतलब अमाउंट, ये ब्याज नहीं है, ये अमाउंट है। अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 7/6 अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 7/6 ठीक है। तो अगर बात की जाए अमाउंट बटा प्रिंसिपल की, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 7 और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 6। अमाउंट 7 और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 600। क्लियर? अच्छा, क्या साल में से कर रहा है सर? 3 साल में। तो ब्याज कितना हो जाएगा बताओ? 6 रुपया कर्ज लिया और 7 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना हो गया? 1 रुपया। ब्याज कितना हो गया? 1 रुपया। तो एसआई बराबर को बचपन में फॉर्मूला भी पढ़े थे, PRT/100 याद है? ब्याज क्या है? रुपया 1। प्रिंसिपल कितना है? 6। रेट कितना है? नहीं पता। टाइम क्या साल है? 3 साल/100। तो आर का वैल्यू 2 से काटेंगे 3 और 2 से काटेंगे 50, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 50/9 यानी 9 × 5 = 45, 5.5/9%। क्लियर? देखिए अमाउंट जो है प्रिंसिपल का क्या है? 7/6। तो अमाउंट 7 और प्रिंसिपल 6, मतलब 6 रुपया कर्जा लिए 7 रुपया हो गया, अरे 6 रुपया कर्जा लिए 7 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना मिला? 1। एसआई बराबर बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे, PRT/100। PRT/100 लगा दिए तो 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, तो आर का वैल्यू 50/9, तो 9 से काटेंगे 9 × 5 = 45 यानी 5.5/9% यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 1 साल का ब्याज परसेंटेज में, 1 साल का ब्याज परसेंटेज में। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है 5% 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 5%। टाइम क्या साल है? 3 साल। तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 1 साल का ब्याज परसेंटेज में, तो 5% साल आना, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा 15%। और वही अगर 5% ही सालाना रहे और 4 साल की बात करें, तो यहां सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 20%। तो दोनों का डिफरेंस कितना परसेंट? 5%। तो 5% अगर 42 रुपया, तो 1% 42/5, तो अगर 100% की बात करें तो 42/5 × 100, 5 से कितनी बार में घटेगा? 20 बार में, तो 2 × 4 और 2 × 4 = 8, 840 रुपया। क्लियर? देखिए हर साल 5%, तो 3 साल का ब्याज 15%, हर साल 5%, तो 4 साल का ब्याज 20%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता ही क्या है? 1 साल का ब्याज परसेंटेज है। तो यहां ब्याज कितना ज्यादा मिल रहा है? 5, और क्वेश्चन में कह रहा है 42 रुपया ज्यादा प्राप्त होता है, तो 1% का वैल्यू 42/5, 100% का वैल्यू 42/5 × 100, तो 42 × 84 यानी 840 रुपया, यही तो प्रिंसिपल है। बात समझ में? 5% 3 साल 15, 5% 4 साल 20, डिफरेंस कितना? 5%। यही 5% का वैल्यू 42 है, 1% इतना, तो 100% कितना? यही तो प्रिंसिपल होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 400 रुपये की राशि 4 साल में 480 हो जाती है, अगर ब्याज दर 2% बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा? देखिए पहले बेसिक समझिए, आपने लगाया कितना?
400, हो कितना गया 480, कै साल में, 4 साल में, 400 लगाए थे, 480 हो गया 4 साल में। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यहां बताइए 400 लगाए थे, 480 हो गया, तो ब्याज कितना मिला, 80 रुपया, ब्याज कितना मिला 80 रुपये। अब रुपए वाले ब्याज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंसिपल के 1% से भाग, तो 100% 400, तो 1% क्या होगा, 4 से डेढ़ से ही डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 रुपया, 20%, 4 साल में 20%, 4 साल में ना 20%, तो सालाना बात करेंगे तो 20% बटा 4 यानी कितना परसेंट, 5% सालाना। आइडिया मिल रहा है, 400 लगाए थे 480 हो गया, ब्याज कितना मिला 80 रुपया, कै साल में, 4 साल में। रुपए वाले ब्याज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंसिपल के 1% से भाग देते, रुपए वाले ब्याज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंसिपल के 1% से भाग देते, एसआई 20% आ गया, तो 20% कै साल में, 4 साल में, तो सालाना कितना होगा, अरे 4 साल में 20%, तो सालाना कितना होगा, 5%। ऐसे भी एसआई अगर परसेंटेज में हो तो रेट निकालना है तो टाइम से भाग, और टाइम निकालना है तो रेट से भाग, और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या, 1 साल का ब्याज परसेंटेज, 5%। अब देखिए अगर 5% के जगह 7% हो जाए तब कितना मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 के जगह अब क्या हो गया, 2 बढ़ गया, तो अब कितना परसेंट हो गया, 7%। तो 4 साल में अब कितना मिलेगा, 4 साल में कितना मिलेगा, तो यहां 7 चौके 28% हो जाएगा, 7 चौके कितना परसेंट हो जाएगा, 28%। तो पहले 7% सालाना है बाबू, तो 28% हो गया, तो प्रिंसिपल हमेशा 100%, 100% 4,400, तो 1% क्या होगा, 4, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, देखिए यहां ब्याज कितना हो जाएगा बताओ, 28%, प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 128%। तो आप जानते हैं कि 100% का वैल्यू कितना, 400, 1% का वैल्यू 4, तो 128% का वैल्यू कितना, 128 गुना 4, तो 4×8=32, 4×2=8, 3×11, 4×1=4, 4×3=7, 4×7=28, 4×8=32, एक मिनट फिर से देखते हैं, 4×8=32 का 2, 4×2=8, 9×10=11, 4×1=4 और 1×5 512, क्लियर। 400 था, 480 हो गया, ब्याज कितना मिला, 80 रुपए वाले ब्याज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंसिपल के 1% से भाग दे दिए, 20% आया 4 साल में, सालाना कितना परसेंट, 5%। अब 5 के जगह 7 हो जाएगा तो ब्याज कितना मिलेगा, ज्यादा ज्यादा मिलेगा, तो 7% 4 साल में, 7×28% बढ़ जाएगा, तो 100% 4,400, 1% 4, तो 28% बढ़ जाएगा, 128% कितना, ये तो सही है, बट इसका शॉर्टकट देखिए भाई, 2% बढ़ जाना है, तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा, 8% और बढ़ जाएगा, 8%, ठीक है। पहले से कितना था, 400, 400 से क्या हो गया, 480, 400 लगाए थे, कितना हो गया, 480, यहां तक सही है। अब कह रहा है कि 2% बढ़ाया जाए, तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा, 8% और बढ़ जाएगा, तो किसका 8%, प्रिंसिपल का ना 8%, तो जो अमाउंट आया है 480, इसमें 400 का सालाना 2% के हिसाब से 4 साल में 8% और बढ़ जाएगा, पहले से कितना था 480, अब इसमें बढ़ जाएगा किसका, प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल का कितना परसेंट, 2% सालाना था, 4 साल में कितना परसेंट, 8%, तो 480 प्लस 400 का 8% और बढ़ जाएगा, तो 480 और 400×8/100 काटेंगे छोटू, तो 480 प्लस 8×32 यानी 512 रुपये हो जाएगा, क्लियर। हर साल 2-2% बढ़ा, तो 4 साल में 8% बढ़ जाएगा, किसका 8%, 400 का, 400 का 8% चलिए ठीक, 32 रुपये और बढ़ा दीजिए, आपका आंसर आ गया, 480 तो होल था, अब 32 रुपये और बढ़ गया, तो एक बेहतरीन तरीका है, सब ऐसा ही बहुत आसान है, नहीं बस लगने की जरूरत है। कोई धनराशि 20 साल में तिगुना हो जाता है, कितने समय में दुगुना हो जाएगा, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा,
एन वन माइनस वन एन टू माइनस वन बराबर टी वन बटा टी टू, तिगुना हो जाता है क्या साल में, 20 साल में। दुगुना हो जाएगा कितने समय में, बोलो बनेगा, तो 2/1 20/40, तिगुना हो जाता है 20 साल में तो दोगुना हो जाएगा कितने समय में, तो 10 साल में। क्लियर, तिगुना हो जाता है 20 साल, दोगुना हो जाएगा कितने समय में, ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिए, 1 रुपया लगाए थे, तिगुना हो गया क्या साल में, 20 साल में। एक ही लगाए हो और दुगुना हो जाएगा कितने समय में, 1 से 3 हो गया, मतलब दोगुना ब्याज, दोगुना ब्याज क्या साल में, 20 साल में। 1 से 3 हो गया यानी दोगुना ब्याज क्या साल में, 20 साल में। तो 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया मतलब 1 गुना ब्याज कितने साल में बताओ, 10 साल। बात समझ में आया, 1 से 3 हो गया, 2 गुना ब्याज 20 साल में, तो 1 से 2 हो गया, 1 गुना ब्याज कितने साल में, 10 साल। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ही रहा। कह रहा है 500 रुपए पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर जो है, यानी SI1 माइनस SI2 क्या रुपया है, 2.5 रुपया, क्या साल में, 2 साल में। प्रिंसिपल कितना है, 500। अब देखिए, रुपए वाले ब्याज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंसिपल के 1% से भाग देते हैं, तो 100% कितना है छोटू, 500, तो 1% कितना हो जाएगा, 5। तो यहां परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, SI1 बट माइनस SI2 कितना हो जाएगा, 2.5 रुपया/5, यानी 5 5 25, यानी 0.5%। क्या साल में है सर, 2 साल में। तो ब्याज दर का अंतर पूछ रहा है, R1 माइनस R2 पूछ रहा है, तो 2 साल में इतने का अंतर है, तो 1 साल में क्या होगा, 0.5% / 2, यानी 0.25% वार्षिक। क्लियर, देखो प्रिंसिपल कितना है, 500, 100% 500, तो 1% 5, दोनों के ब्याज का अंतर 2.5 रुपया है 2 साल में, तो रुपए वाले ब्याज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंसिपल के 1% से भाग देते, भाग दे दिए, तो 0.5%, 0.5% क्या साल में, 2 साल में ना, 2 साल में ना, 0.5%, रेट का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 0.5% / 2, यानी 0.25% ईयरली। क्लियर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कुछ नहीं है सर, एकदम केवल प्रैक्टिस का जरूरत है। 7% और 5% के साधारण ब्याज पर 2 ऋण पर अर्जित ब्याज 4 साल में इतना रुपया, उधार दी गई कुल राशि बताएं। चलिए 7% 4 साल, 7% और 4 साल, तो यहां ब्याज कितना परसेंट सच होके, 28%, 5% 2 साल, 5% 4 साल, यहां ब्याज कितना परसेंट पंचों के, 20%, और दोनों ब्याज का जोड़ 28 और 20 कितना हो जाएगा, 48, दोनों ब्याज का जो जोड़ है 48%, और यही ब्याज का जो जोड़ है वो 960 रुपये, तो 48% का वैल्यू 960, 1% का वैल्यू 20, तो प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%, 100% का वैल्यू 2000। क्लियर, 7% 4 साल, 28%, 5% 4 साल, 20%, दोनों का ब्याज का जोड़ 48%, 48% इतना, 1% इतना, तो प्रिंसिपल 100% कितना। आ रहा है समझ में, कुछ नहीं है सर, केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, केवल फास्ट बनाने का प्रयास करोगे तो फटाफट फटाफट बनता चला जाएगा, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही रहा, क्या कह रहा,
₹500 की राशि 12% की दर से निवेश की गई, एक अन्य राशि 10% की निवेश की गई, 4 वर्ष में कुल ब्याज 480 प्राप्त हुआ, ठीक है। दूसरी राशि क्या है? ठीक है, ₹500 की राशि है, 12% है और 4 साल है। दूसरी रकम है 4% की राशि है, नहीं 10% है और टाइम है 4 साल। तो यहां नॉर्मल सा बात करो, एसआई बराबर क्या होता है? पीआरटी बटा 100। एसआई बराबर क्या होता है? पी आर टी बटा 100। फिर एसआई बराबर क्या होता है? पी आर टी बटा 100। और दोनों के ब्याज का जो जोड़ कितना है? 480। बहुत आसानी से बन जाएगा ये तो खत्म। तो 12 चौके 48 गुना 5, ये 0 से ये भी खत्म। 12 चौके 48 गुना 5, 48 पचे 40 पचे 200 और 8 पचे 40, 240 60 240, और ये हो जाएगा 0.4x। उधर जाकर माइनस होगा तो 0.4x बराबर लेस होगा तो 240 बचेगा, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 4 से 6 बार में, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 600, यानी दूसरी रकम क्या हो गई? 600। एसआई बराबर क्या होता है? पी आर टी बटा 100, दूसरी रकम पी आर टी बटा 100 और टोटल रकम कितना? 480। कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी दूसरी रकम आराम से निकल जाएगी। तो थ्योरी क्लास पढ़ना बहुत जरूरी है। थ्योरी में हम क्या बताए थे? या तो पी आर टी बटा 100 से बना लो, या तो फ्रैक्शन से बना लो, या तो 100% से बना लो, नहीं बहुत सारा मेथड है बनाने का। क्लियर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष पर निवेश करता है, समान ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज समान प्राप्त होता है, यहां पर समझने वाला बात है, समान ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। तो 10% 6 साल में ब्याज कितना प्राप्त होगा? 60%। 10% 12% 10 साल में, 12 दही 120% ब्याज प्राप्त होगा, और 15% 12 साल में, 15 गुना 12 180% ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज यानी 60 ए जो है वो बराबर है 120 बी बराबर 180 सी, हर साल 10% तो 6 साल में 60% 60 ए, हर साल 12% तो 10 साल में 120%, हर साल 15% तो 12 साल में 180%। तीनों क्या है? बराबर, तीनों ब्याज। तो ए बी सी क्या है? प्रिंसिपल। ए बी सी किसका रेशियो है? प्रिंसिपल का। ये किसका रेशियो है? मूलधन का। तो ए बी सी का रेशियो निकालना है। कुछ कटने लायक है क्या? काटिए, 60 एकम 60, 60 दुना 120 और 60 तिया 180। अब आपको किसका रेशियो निकालना है? ए बी सी। बोलिए फटाक से बन जाएगा, छिपाइए। 3 दुना 6 इनवर्स रेशियो, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 6 3 2। देखिए कैसे बनाइए। ब्याज बराबर 12 पचे 60, 120 180, तीनों बराबर, इच्छी काट दिए तो 1a 2b 3c। इनवर्स रेशियो निकालने का छठ तरीका, अगर ए निकालना है कोई छिपाइए 3 दुना 6, बी निकालना है बी छिपाइए 3 एकम 3, सी निकालना है सी छिपाइए 2 एकम 2, खाली कोफिशियंट गुना कर दोगे आंसर आ जाएगा। ये भी आइए सर, यहां पर ब्याज समान था, कभी कभी मिश्रधन समान करेगा, तो मिश्रधन समान करेगा तो 60 नहीं करेंगे, 160 बराबर करेंगे। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा? 12% 3 साल का ब्याज जो है 16% 4.5 साल के ब्याज के बराबर है। तो 12% 3 साल, 12 तिया 12% 3 साल, 12 तिया 36% ए ब्याज बराबर है, और 16% 4.5 साल, 16% और 4.5 साल, तो 16 चौके 64%, 16 का आधा 8%, 64 और 8 कितना परसेंट? 8 4 12 72%। दोनों का ब्याज बराबर,
तो ए और बी का रेशियो निकल जाएगा 72% / 36%, 12% 3 साल बढ़ती है 36%, 16% 4.5 साल, तो 16 × 64 और आधा 72%, दोनों का ब्याज बराबर। अगर मिश्रधन बराबर का था तो 136 ए बराबर 172 बी करते, लेकिन यहां पर क्लियर कर दिया कि दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। तो ए बटा बी काटिए, तो ए और बी का रेशियो आपका निकल जाएगा 2:1, तो 2 × 1 = 3, 3 का वैल्यू 12,000, 1 का वैल्यू 4,000, तो 2 का वैल्यू 8,000 और 1 का वैल्यू 4,000। अब क्या पूछ रहा है, ग्रेटर वाला पूछ रहा है, यानी आंसर क्या चला जाएगा 8,000, आंसर क्या चला जाएगा 8,000। क्लियर आ रहा है समझ में, 12% 3 साल, 36%, 16% 4.5 साल, 72%, दोनों का ब्याज बराबर कर दिया तो ए बी का रेशियो आ गया। इस रेशियो में टोटल क्या कर दिया बराबर, लेकिन यही अगर मिश्रधन बराबर करता ना तो 112 ए 136 है या 172 बी करना पड़ता। चल कितना आसानी से बना पा रहे हो, नहीं तो जितना क्वेश्चन है ना, इस सारे क्वेश्चन को अगर धीरे 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 प्रैक्टिस कर लोगे ना तो 100% आपसे बनने लगेगा। चल क्या कह रहा है, 800 रुपया लगाए थे, कितना हो गया 956, वही वाला क्वेश्चन है, 800 लगाए थे 956 हो गया। अगर 4% बढ़ा दे तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा 12, 4% बढ़ा दे तो पहले से कितना हो चुका है 956 हो चुका है, अगर 4% बढ़ा दे तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा 12% बढ़ जाएगा, सालाना 4% बढ़ेगा तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा 12% बढ़ जाएगा, तो किसका 12%, प्रिंसिपल का ना 12% बढ़ जाएगा, तो 956 तो पहले से था, अब प्रिंसिपल यानी 800 का कितना परसेंट 12% बोल बनेगा, तो 956 प्लस 800 गुना 12/100, 12 × 96, 956 प्लस 96 बोल तो भाई 6 × 6 = 12, 9 × 5 = 14, 1 = 15, 9 × 1 = 10, 10 = 52 रुपये। क्लियर, अगर हर साल 4% बढ़ा दोगे तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा 12, तो किसका 12% बढ़ेगा, 800 का ना 12%, प्रिंसिपल का 12% और बढ़ा दो 956 तो पे, अरे बढ़ के तो 800 से 956 हो ही गया, अब 12% और बढ़ा दिए तो 956 पे ना 12% बढ़ेगा, किसका 800 का 12% बढ़ा दिए, टोटल आंसर क्या हो गया 1052। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके, लेकिन ये सब शॉर्टकट है, सब क्या है शॉर्टकट, फटाफट कैसे आंसर देना है। चल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, यहां पर तीनों के क्या बराबर है, मिश्रधन बराबर है, तीनों के क्या है 7930, यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, 7930 3 वर्ष में बांटा जाता है, यदि 5% 2 साल, 5% 3 साल, 5% 4 साल के लिए लगाया जाए तो समय पुराने पर मिश्रधन बराबर, तो अगर 5% 2 साल की बात करते हैं तो ब्याज कितना हो जाएगा 10% 5% 3 साल की बात करते हैं तो ब्याज कितना हो जाएगा 15%, 5% 4 साल की बात करते हैं तो ब्याज कितना हो जाएगा 20%। बस समझ में, यानी कहने का मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट 1 जो हो जाएगा वो 15% हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 2 जो हो जाएगा 20% हो जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट 3 जो हो जाएगा 10%, 15% और 20%, 5% 2 साल 10, 5% 3 साल 15, 5% 4 साल 20, इसका क्या बराबर है, मिश्रधन बराबर, यानी अमाउंट बराबर है, तो इसका मिश्रधन 1 कितना हो जाएगा 110 ए, मिश्रधन 2 कितना हो जाएगा 115, मिश्रधन 3 कितना हो जाएगा 120। अब तीनों बराबर है, मतलब 110 ए जो है 115 बी जो है 120 सी के बराबर है, कुछ कटे है क्या, 5 से काटे तो 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, यानी 22 ए बराबर 5 × 2 = 10, 23 बी बराबर 24 सी। अब ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल सकते क्या, इन्वर्स रेशियो, पहले इसको छिपाएंगे, तो 23 × 24
दूसरा इसको छिपाएंगे, 24 गुना 22, और तीसरा इसको छिपाएंगे 22 गुना 23। गुना कीजिए तो फटाक फटाक, 23 गुना 24, 23 गुना 24, 23 तेईस 529, 23 गुना 24 फटाक से करो 552 आ जाएगा। फिर 24 गुना 22 करो, 24 गुना क्या करो 22, 24 गुना 22 फटाक से 528 आ जाएगा। और फिर 22 गुना 23 करो, 22 गुना 23 आपका 506 आ जाएगा। कुछ कटेगा क्या? कटेगा तो और काट दीजिए, अगर कटेगा तो काट दीजिए। चार से कटेगा, चार एकम चार, चार तीन बारह, चार से होता है 28, चार से चार एकम चार, चार दूना 8, नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा तो 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन काटना क्या है, चार एक ये निकालना है ना। तो देखो क्या करो, 7930 बटा 552 प्लस 528 प्लस 506 गुना किसका निकालना है, ये करना 552। क्या करना होगा, 7930 बटा तीनों का जोड़ और गुना 552। तो फटाक से इसका कैलकुलेशन अगर कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7930 और यहाँ पर जोड़ो पंतिया 1500, तो ऐसे ही हो गया 1550, 70, 1570, 1580, 1586, 1586 और गुना 552। काटोगे ना तो आंसर आ जाएगा, देखो तो कितना है, काट के देखो लगभग 2760 रुपये आ जाएगा। तो देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और ज़्यादा कुछ नहीं था। यहाँ पर क्या था, मिश्रधन बराबर था, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, 10% 5 साल 10% 5% 2 साल 10% 5% 3 साल 15% 5% 4 साल 20%। मिश्रधन बराबर 110 है, 115 भी, 120 5 से काटे 22 23, इसको छिपा इन दोनों का प्रोडक्ट, इसको छिपा इन दोनों का प्रोडक्ट, इसको छिपा इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इस रेशियो में टोटल को बांटना है किसको, 7930 को बटा टोटल, और जिसका निकालना है उससे गुना एब्सोल्यूट टर्म बाय रिस्पेक्टिव रेशियो इनटू जिसका वैल्यू निकालना। अगर ये कैलकुलेशन कर लेंगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा, 7930 बटा 1586 गुना 552। चेक करो तो एक बार, एक बार चेक कर लीजिए फटाक से, फटाक से चेक करिए, आपका आंसर आ जाएगा 2760 रुपये। तो कितना टाइम लगा इसमें कैलकुलेशन, तो 15-15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके और आज एसआई आपका अपना हुआ। ये तीन क्लास, मात्र तीन क्लास अगर आप लोग कर लिए ना तो एसआई का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा सर, और इसी में से आना है, केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये 40-40 क्वेश्चन जो बताएं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी पार्ट पढ़ना। तो पहला क्लास थ्योरी प्लस 10 क्वेश्चन, दूसरा क्लास 15 क्वेश्चन, फिर 15 क्वेश्चन, तो इतना जो हम पढ़ाए ना तो आपसे एसआई बनने लगेगा, 100% बनेगा। या तो रेशियो के बेस पे बनाइए या तो सीधा उल्टा पे बनाइए या 100% पे बनाइए। तो इतना देर तक आप लोग कंटिन्यू बने रहे, इसको पढ़ रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और करतार कोचिंग सेंटर आपको और बहुत धन्यवाद करती है कि आप लोग इतना देर तक आप लोग हमारे साथ बने रहते हैं और इसको नोट करते रहते हैं, समझते रहते हैं, कॉपी लेके बैठते रखते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं। ये केवल इसलिए कि बस आपका रिजल्ट हो जाए, और अगर आपका रिजल्ट हो गया तो मेरा भी काम हो जाएगा। रिजल्ट हो गया, आप कम से कम, मैं तो ये कह सकता हूँ ना कि हाँ वो मेरा विद्यार्थी है। तो कहने का मतलब है कि आपको लगने की ज़रूरत है, टू द पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत है, और पढ़ाई कीजिए, कॉपी नोट कीजिए, फेयर बनाइए और बनाए अच्छे से पढ़िए सर, रिजल्ट आपके पास 100% होगा, एसआई आपसे बनेगा। इसके अलावा अगर कभी भी कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट्स आए तो आप हमसे आके पूछ सकते हैं। मैं करतार कोचिंग सेंटर में मैथ्स पढ़ाता हूँ, आशुतोष कुमार मेरा नाम हुआ, आप जाके बोल सकते हैं।
कोई भी परेशानी होगा हम दूर करेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। करतार कोचिंग सेंटर हमेशा आपका धन्यवाद करेगा। थैंक यू वेरी मच।